हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 एमसीक्यूज, जिसमें हम एनसीईआरटी प्लस लूसेंट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है मेनलैंड इंडिया का, जी इस बिटवीन, ये आपने आंसर बताना है यहाँ पे। सो ऑप्शन आपके पास हैं, ऑप्शन है आपके पास 8° 4' नॉर्थ से लेकर 37° 6' नॉर्थ। उसके बाद सेम है आप बेस्ट, जहां भी लिखा हुआ है जहां भी बेस्ट है, जहां भी बेस्ट है, जहां भी ईस्ट है, दोनों और साउथ साउथ, ठीक है। तो जहां पे आपने बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। अब जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जे आपका है अर्थ, जे 0° पे आपको देखने को मिलेगा इक्वेटर, और कुछ इस पोजिशन पे इंडिया लोकेटेड है, ठीक है। तो इस पोजिशन पे इंडिया लोकेटेड है। अगर हम जहां पे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपका, ठीक है, जहां से जहां तक ये आ गया आपका 8° 4' नॉर्थ से लेके 37° 6' नॉर्थ। ये नॉर्थ क्यों है? क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, इसलिए हम इसको नॉर्थ बोलेंगे। सो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर ए बनेगा। सो आंसर ए रहेगा आपका। इंडिया जो है, लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है मेनलैंड इंडिया की, ये है आपकी 8° 4' नॉर्थ से लेके 37° 6' नॉर्थ, क्योंकि इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात की गई है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो वापिस से मैं जहाँ पे अर्थ बनाने की कोशिश करूंगा, जी आपका इक्वेटर 0° पे, और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया इस पोजीशन पे है, इंडिया है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे। अब यहाँ पे बात की गई है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, जी आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है। तो जहाँ पे बात की गई, इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, 68° 7' ईस्ट लेकर 97° 25' ईस्ट। उसके बाद 67° 8' ईस्ट से लेके 98° 52' ईस्ट। उसके बाद 57° 8' ईस्ट से लेके 97° 25' ईस्ट, और 65 और 95। तो उसका राइट आंसर बनेगा आपका आंसर ए। आंसर ए यानी कि 68° 7' ईस्ट से लेके 97° 25', क्योंकि इंडिया कहाँ पे है? इंडिया नॉर्थ में है, और नॉर्थ में कहाँ पे? ईस्टर्न पॉइंट में। तभी इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है हमारी कौन सी रहेगी, 68° 7' ईस्ट से लेकर 97° 25' ईस्ट, ठीक है। तो आंसर ए बनेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी स्टेट जो है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है? गुजरात से पास होता है, झारखंड से पास होता है, वेस्ट बंगाल से पास होता है, और हिमाचल प्रदेश से पास नहीं होता। तो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर डी बनेगा, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। और देख सकते हैं कुछ एक स्टेट्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन सी स्टेट है, जहाँ पे गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने स्टेट्स हैं? 8 स्टेट्स हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है गुजरता है। तो ये आप देख सकते हैं, गुजरात आ गया आपका, जहाँ पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर जहाँ पे छत्तीसगढ़ आ गया, फिर झारखंड आ गया, ये आपका वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और उसके साथ साथ मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, गुहार मोती, ठीक है। अगर हम बात करें वेस्टर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया की, तो ये हमारा, अगर ये सपोज करो ये मैप है, सपोज यहाँ पे मैं रफ बना रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा मैप है। तो वेस्टर्न मोस्ट, ये हमारा वेस्टर्न पोस्ट, वेस्टर्न पार्ट आ गया ना, तो वेस्टर्न पार्ट जहाँ पे सबसे वेस्टर्न पार्ट है, ये हमारा गुहार मोती है। ये आप जानते हैं कौन से स्टेट है, जो गुजरात के अंदर है। सो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर आपका बनेगा सी, ठीक है। तो गुजरात के अंदर है गुहार मोती, जो कि एक वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, और कौन से स्टेट के अंदर है? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो है इस टाइप के पूछे जाते हैं, सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में आपने बताना, कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है, इंदिरा पॉइंट है, या इंदिरा कैलीमियर। सो आंसर बनेगा आपका सी, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका इंदिरा पॉइंट, और ये सदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है? ये आपका अंडमान और निकोबार में, ठीक है। अगर आपको सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा गया मेनलैंड इंडिया का, तो फिर आपका आएगा कन्याकुमारी, ठीक है। तो फिर क्या आएगा आपका? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ पे है? तमिलनाडु पे। अगर आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट आपका आ गया अंडमान निकोबार में, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। सो आंसर बनेगा आपका सी। और ये एक विलेज है निकोबार आइलैंड, और एक्सटेंट एग्जैक्ट ये लोकेशन कहाँ पे पॉइंट, तो ग्रेट निकोबार तहसील, ठीक है। और ये प्लेस है, इस प्लेस को इंदिरा पॉइंट का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम पे इसका नाम जो है रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड के टर्म से, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है इंडिया की? मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, और अरुणाचल प्रदेश। देखिए, मणिपुर आपकी नीचे वाली साइड आ गई, मिजोरम सेंटर में है, उसके बाद नागालैंड, ये आपकी कौन सी स्टेट्स हैं? ये आपकी ईस्टर्न स्टेट्स हैं। अगर आप बाहर से बात करें, ठीक है, अब बाहर से बात करें, जहाँ से अगर बात करें,
तो इंडस रिवर एंटर करती है जी हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन आ गया, यानी कि अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल जहाँ पे लास्ट में आपको ईस्टर्न साइड देखने को मिलेगा। तो आंसर डी बनेगा इसका, ठीक है। तो आंसर डी जो है हमारा, अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड टर्म्स के, तो इट्स ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है, पोस्ट ईस्टर्न मोस्ट जो स्टेट है इंडिया की, वो है आपके अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 डिग्री जो चैनल है जी, किसको सेपरेट करता है? इंडिया और श्रीलंका को करता है, मिनिकॉय मालदीव्स अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड, या इंदिरा पॉइंट फ्रॉम इंडोनेशिया। सो आंसर सीधा आपका बनेगा बी, मिनिकॉय फ्रॉम मालदीव्स। ये आपका आ गया 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट हिमालय रेंज कौन सी है? ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय है, शिवालिक है, या धौलाधार है? सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे ए, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ओल्डेस्ट हिमालय रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी पीक्स फॉर्म ए पार्ट ऑफ, नंदा देवी पीक कहाँ पे है? नंदा देवी आपको जहाँ पे याद रखना जी, कहाँ पे है? यूके के अंदर, यूके कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर। और जहाँ पे अगर बात करें असम है, जहाँ पे नेपाल है, जहाँ पे पंजाब है, गढ़वाल एक ऐसा प्लेस है जो आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा। सो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बी बनेगा, ठीक है। तो नंदा देवी पीक्स फॉर्म ए पार्ट ऑफ, तो गढ़वाल हिमालय, आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पार्ट जो है हिमालय का वो कैरवा लैंडफॉर्म जहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा पार्ट है हिमालय का जहाँ पे कैरवा लैंडफॉर्म लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्ट हिमालय है, ईस्टर्न हिमालय है, हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय है, या कश्मीर हिमालय? सो आंसर सीधा आपका डी बनेगा, कश्मीर जिसका राइट आंसर रहेगा। सो कश्मीर हिमालय, जहाँ पे देख सकते हैं कैरवा जो है पाई जाती है यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर, कैरवा और लोकस्ट्राइंस डिपॉजिट है जो फॉर्म करता ड्यूरिंग द पैलियोसीन पीरियड बैंड द इंटायर वैली ऑफ कश्मीर वाज अंडर वाटर रिजेम्बलिंग अ मासी मैसिव लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल जो अगर बात करें यहाँ पे हिल रेंज जो है सेपरेटिंग मणिपुर फ्रॉम नागालैंड इज नोन है, उसको क्या बोलते हैं जो सेपरेट करती है मणिपुर और नागालैंड से, ठीक है। तो आराकोन हिल्स रेंज है, पटकाई हिल्स रेंज है, बरेल हिल रेंज है, जो मणिपुर हिल रेंज है। तो आंसर आपका सी बनेगा, बरेल, बरेल हिल रेंज जो है सेपरेट करती है मणिपुर को नागालैंड से, ठीक है। मानसरोवर लेक कहाँ पे लाई करती है? काराकोरम रेंज में, पीरपंजाल, कैलाश, या महाभारत? सो आंसर सी, ठीक है, कैलाश रेंज कहाँ पे, मानसरोवर लेक कहाँ पे है? कैलाश रेंज। सियाचिन ग्लेशियर जो है कहाँ पे सिचुएटेड है? क्या इक्साइन चीन के ईस्ट में लोकेटेड है, ईस्ट ऑफ लेह है, नॉर्थ ऑफ गिलगिट है, या नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली है? सो आंसर सीधा बनेगा आपका डी, चीन नुब्रा वैली के नॉर्थ में है, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर। और जो आप देख सकते हैं नुब्रा वैली के, नुब्रा वैली जो है एक्ट करती है गेटवे, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सियाचिन ग्लेशियर एंड काराकोरम रेंज, काराकोरम पास ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड कनेक्ट द वैली विद जहाँ पीजिंग जियांग चाइना। और नुब्रा जो रिवर है, एक रिवर है नुब्रा वैली ऑफ लद्दाख के अंदर इन इंडिया, और एक ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर की, और किसका पार्ट है जो इंडस रिवर सिस्टम का, और ये ओरिजिनेट होती है सियाचिन ग्लेशियर से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, चोरावारी जो ग्लेशियर है कहाँ पे लोकेटेड है? चोरावारी ग्लेशियर आपको जहाँ पे सीधा क्लियर हो गया कि केदारनाथ के टेंपल के पास है, ठीक है। तो कौन सी साइड है? तो ये आपका आ गया आंसर सी, नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेंपल। और केदारनाथ टेंपल कहाँ पे है? यूके के अंदर, यूके यानी कि यूके की बात करें उत्तराखंड के अंदर। कौन सी स्टेट के अंदर जो है नीलांग वैली लोकेटेड है? ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जे एंड के, जहाँ यूके। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे डी, यूके यानी कि उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगी नीलांग वैली। नीलांग वैली को नीलांग वैली और नीलांग वैली की बोला जाता है हिमालय के अंदर, और कंटेनी का स्मॉल एपोनियम्स विलेज, और ये कहाँ पे? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली जो है कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु के अंदर, केरला, कर्नाटका, या असम? सो आंसर बनेगा आपका बी, साइलेंट वैली है केरला के अंदर। और ये जहाँ पे देख सकते हैं 2237.5 स्क्वायर किलोमीटर, और जहाँ पे ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ है? पलक्कड़, डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, और साइलेंट वैली आंसर बी आपका केरला के अंदर। बुमला पास, ये आईएएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एक टॉप लेवल का एग्जाम, टॉप लेवल का एक क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। बुमला पास कहाँ पे लोकेटेड है? सिक्किम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, या यूके के अंदर? सो आंसर बनेगा आपका बी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है बुमला पास, ठीक है। तो बुमला पास एक बॉर्डर है बिटवीन चाइना, सोना कंट्री इन द तिब्बत एंड इंडिया, तवांग डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? तवांग डिस्ट्रिक्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो जहाँ पे लोकेटेड है बुमला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगालियन प्लेट्यू जो है किसका पार्ट है? हिमालय रेंज का पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का है, माउंटेन ऑफ ईस्टर्न गॉट, या सतपुरा रेंज? आंसर बी बनेगा आपका, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है मेगालियन प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द अरावली रेंज लोकेटेड? कौन सी स्टेट के अंदर अरावली रेंज जो है लोकेटेड है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, या आंध्र प्रदेश? सो आंसर बनेगा आपका बी, सॉरी ए, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान के अंदर लोकेटेड अरावली रेंज।
धूपगढ़, धूपगढ़ जो है हाईएस्ट पीक है मध्य प्रदेश की जी, कहाँ पे लोकेटेड है? इज लोकेटेड है सतपुरा रेंज में है, महादेव रेंज में है, माइकाल रेंज में है, या विंध्यायन रेंज में है। सो आंसर बनेगा आपका ए, सतपुरा रेंज के अंदर है, आपको देखने को मिलेगी। धूपगढ़ हाईएस्ट पीक है मध्य प्रदेश की, जहाँ पे देख सकते हैं पंचमढ़ी माउंट, जहाँ पे धूपगढ़ या धूपगढ़ ये हाईएस्ट पॉइंट है मायोदी हिल्स का, सतपुरा रेंज, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश इंडिया, लोकेटेड इन पंचमढ़ी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उडाई कनाल जो है कौन सी हिल में सिचुएटेड है? अनामलाई, अनामलाई, बूंदी, पलानी या अमरकंटक? सो आंसर सी बनेगा, ठीक है, पलानी, पलानी इसका राइट आंसर है। सो आंसर बनेगा आपका, जहाँ पे देख सकते हैं उडाई कनाल एक पॉपुलर जो है हॉलीडे डेस्टिनेशन है, एक हिल रिजॉर्ट है साउथ इंडिया का, और ये हिल स्टेशन आज जहाँ पे 7200 फीट अबव द सी लेवल, और सिचुएटेड है अपर पलानी हिल्स में, जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स नियर मदुराई इन तमिलनाडु। नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स कितनी है इंडिया की? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे 6, 7, 8, 9 दिया हुआ है, अब थोड़ा सा हम काउंट करेंगे यहाँ पे। ये नंबर वन गुजरात, फिर आपका आ गया महाराष्ट्र 2, गोवा तीसरे नंबर पे, कर्नाटका चौथे नंबर पे, फिर आपका केरला आ गया पाँचवें नंबर पे, फिर तमिलनाडु आ गया छठे नंबर पे, आंध्र प्रदेश आ गया 7th नंबर पे, उड़ीसा आ गया आपका 8th नंबर पे, और वेस्ट बंगाल आपका आ गया 9th नंबर पे। तो कौन सी कितनी है टोटल आपकी? 9th जो कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका 9th, क्योंकि 9th स्टेट जो है कोस्टल बाउंड्री है जहाँ पे इंडिया की, ये आप देख सकते हैं जहाँ से जहाँ तक। सो आंसर बनेगा आपका आंसर टी। जो सी कोस्ट है तमिलनाडु का इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? क्या इसको सर्कल कोस्ट बोलते हैं, कोंकण कोस्ट बोलते हैं, मालाबार कोस्ट बोलते हैं, या कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं? सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे टी, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट एक ब्रॉड कोस्टल प्लेन है ईस्टर्न तमिलनाडु स्टेट का, सदर्न इंडिया का। इसमें से आपने बताना कि किसको बोला जाता है कैप कैमोरिन, ठीक है, मिजोरम को बोला जाता है, कश्मीर को बोला जाता है, कन्याकुमारी को बोला जाता है, गुजरात को बोला जाता है। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे सी, कन्याकुमारी। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया इंडिया का जहाँ पे सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट मेनलैंड पूछा गया मेनलैंड इंडिया का, तो आपका आंसर बनेगा कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी को ही कैमरून, कैप कैमरून बोला जाता है। कन्याकुमारी है कहाँ पे है? जी आपका तमिलनाडु के अंदर। पोर्ट ब्लेयर जो है लोकेटेड है कौन से आइलैंड में? लिटिल अंडमान में है, ग्रेटर अंडमान में है, साउथ अंडमान में है, या नॉर्थ अंडमान है? जो पोर्ट ब्लेयर लोकेटेड, आपका आंसर सी, साउथ अंडमान में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटर पीक जो है एक हाईएस्ट पीक है अंडमान और निकोबार आइलैंड की, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये काफी बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रेट निकोबार में, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान, या नॉर्थ अंडमान? सो आंसर बनेगा आपका डी, ठीक है, तो नॉर्थ अंडमान इसका। क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है यूजली रेफर्ड एज, क्या इसको बोलते हैं? ट्रॉपिकल मानसून बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल मानसून बोलते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट बोलते हैं, या सब टेम्परेट क्लाइमेट बोलते हैं? सो आंसर रहेगा आपका जहाँ पे आंसर ही ट्रॉपिकल मानसून। क्लाइमेट जो है इंडिया को, इसको यूजली ये बोला जाता है ट्रॉपिकल मानसून। इसमें क्या होता है, ड्यू टू द इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि इंडिया की लोकेशन जो है ट्रॉपिकल रीजन है, मोस्ट ऑफ द जो रेन है ब्रॉट बाई मानसून बिल्ड, इसलिए क्या बोलते हैं, जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है इसको ब्रॉडली इसको डिस्क्राइब किया गया है मानसून टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये RRB में क्वेश्चन पूछा गया था कि किससे इन्फ्लुएंस होता है? फिजियोग्राफी ऑफ लैंड मासेस से, बिल्कुल इससे होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी बिल्कुल, और हिमालय से बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर डी बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है, तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इन सबसे होता है, तो आंसर आपका डी बनेगा, आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म जो मानसून है ये ओरिजिनेट होता है किस लैंग्वेज में? अरेबिक लैंग्वेज, स्पेनिश, हिंदी या इंग्लिश? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सो आंसर रहेगा आपका ए, अरेबिक लैंग्वेज। अरेबिक लैंग्वेज में टर्म मानसून जो है ओरिजिनेट होता है, आप जहाँ पे देख सकते हैं मानसून जो है इसको ड्राइव किया गया है अरेबिक वर्ड में, जिसको बोलते हैं मौसम, मौसम, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? सीजन्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी स्टेट के अंदर जो है मानसून पहले, सबसे पहले आता है, पहले आता है मानसून? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द मानसून अराइव फर्स्ट? असम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरला? आप सभी सुनते हैं न्यूज़ में सुनते हैं कि केरला से जो है मानसून चल पड़े हैं, तो आंसर आपका ए डी बनेगा जहाँ, ठीक है, तो मानसून इसका इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव फ्रॉम, इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो कहाँ से रिसीव होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज की वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, या रिट्रीटिंग मानसून की वजह से? सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे सी, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेनफॉल जो है रिसीव होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज माइंड में रखनी है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है
कि मेघालय के अंदर एक प्लेस है जिसको बोलते हैं मानसरम, ठीक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। और जो मेजॉरिटी ऑफ द जो है रेनफॉल है बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द इंडियन मानसून, ये जहाँ भी होता है, ठीक है, मेघालय के अंदर। तो मानसरम, अगर आपको पूछा गया इंडिया के कौन से प्लेस में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो मानसरम ये कहाँ पे है, मेघालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर जो होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में समर सीजन के अंदर ड्रास एयर फ्रॉम द इंडियन ओशन लीडिंग टू इन ब्लोइंग ऑफ द, इससे क्या होता है, साउथ ईस्ट विंड्स आती हैं, साउथ बेस्ट मानसून विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स या बेस्ट लाइज। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर भी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून इज, सबसे ज्यादा जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से जो है बारिश वगैरह होती है, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो आंसर बनेगा आपका सी, तमिलनाडु, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट जो है मानसून होता है नॉर्थ ईस्ट, इसमें क्या होता है कि सर्दियों के अंदर आपको बारिश देखने को मिलती है, ठीक है। तो जी सबसे ज्यादा कब होता है, ये कौन से स्टेट के अंदर, ये आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा। जनरल जो डायरेक्शन होती है समर से मानसून की इन इंडिया इस क्या कैसी होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है, साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, या साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, या साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। सो आंसर डी बनेगा आपका, ठीक है। तो जनरल जो डायरेक्शन होती है समर मानसून की वो ऐसी होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको जहां भी बताना चाहूंगा, ये इंडिया है, ये इंडिया आ गया आपका, ठीक है, और ये हमारा आ गया आपका साउथ वाला पोर्शन, जहां से कुछ इस तरीके से होती है साउथ, ठीक है, साउथ, फिर इस तरीके से ऐसे ब्रांचेस बनती हैं। तो इस तरीके से आप बोलते हैं साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। जेट स्ट्रीम जो है आर टाइप ऑफ क्या है जी, क्या मानसून विंड्स है, पीरियोडिक विंड्स है, जियोस्ट्रॉपिक विंड्स है, या परमानेंट विंड्स है। सो आंसर बनेगा आपका सी, इसको बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड्स। जेट स्ट्रीम ये एक टाइप की एयर करंट है जो फॉर्म होती है हाई एटमॉस्फेयर पे, और एवरेज अगर हम बात करें तो जेट स्ट्रीम जो है मूव होती है 110 माइल्स पर आवर की स्पीड से, और इसमें बट ड्रामेटिक टेम्परेचर की बात करें तो जहाँ पे डिफरेंस होता है वार्म एंड कूल एयर मासिस में, जिससे होती है जेट स्ट्रीम टू मूव एट मच हायर स्पीड 250 माइल्स पर आवर और फास्टर, जैसे भी ज्यादा होती है। ई नैनो क्या है, कोल्ड वाटर करंट है, हॉट वाटर करंट है, टेम्परेट वाटर करंट है, या ट्रॉपिकल वाटर करंट है। तो ई नैनो है आपका आंसर बी, हॉट वाटर करंट, तो आंसर बी बनेगा। ई नैनो और ला नैनो एक दो टाइप की अपोजिंग क्लाइमेट पैटर्न्स हैं जो ब्रेक करते हैं नॉर्मल कंडीशन को, और साइंटिस्ट कॉल दीज फेनोमेना ई नैनो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल, और ई नैनो एंड ला नैनो कैन बोथ हैव ग्लोबल इम्पैक्ट, ये किसमें पड़ता है, वेदर के ऊपर, वाइल्ड फायर्स, इकोसिस्टम एंड इकोनॉमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है रिसीव वेरी हाई रेनफॉल इन समर मेनली ड्यू टू, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है इसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है, एंड डी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, मेनली ड्यू टू किसकी वजह से, ट्रॉपिकल लोकेशन की वजह से, नियरनेस टू सी, वेस्टर्न घाट या हिमालय। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे सी, वेस्टर्न घाट की वजह से। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे पासिस के बारे में बता दूं, जो पासिस हैं वेस्टर्न घाट के अंदर, ये है आपके नॉर्थ टू साउथ अगर बात करें तो है कसारा है घाट, पलक्कड़ गैप है, उसके मलिशियस घाट है, या कुंभरली घाट है। अब इसमें थोड़ा मैं आपको और बता रहा हूँ, कसारा घाट या कासरा घाट जो है ये आपका माउंटेन पास है 114 किलोमीटर जो कनेक्ट करता है नासिक से लेके मुंबई तक। अब कुछ और इम्पोर्टेंट, थॉल घाट जो है ये एक 4 मेजर रोड एंड रेल कनेक्टिविटी है किसकी, मुंबई के अंदर। अब यहाँ भी थोड़ा सा मैं आपको वेस्टर्न घाट के बारे में बता दूं, अगर वेस्टर्न घाट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया हाईएस्ट पीक के बारे में, तो अनामुड़ी जो है केरला के अंदर, ठीक है, अनामुड़ी जो क्या है केरला के अंदर आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट के अंदर, ये इसकी लेंथ है 2695 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट जो रेनफॉल है इंडिया का ऑकर्स इन, क्या वेस्टर्न घाट और हिमालय रीजन और मेघालय की वजह से होता है, एमपी बिहार, हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होता है, एमपी बिहार में, यूपी, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड विदर्भा। सो आंसर बनेगा आपका ये, ठीक है, वेस्टर्न घाट, हिमालय रीजन और मेघालय, मेघालय में सबसे, मैंने आपको जगह बताई ना अभी, मानसरोवर सबसे ज्यादा होती है बारिश यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डस्ट स्टॉर्म ओरिजिनेटिंग इन केरला ड्यूरिंग हॉट वेटर सीजन, हॉट वेटर सीजन आर नोन एज, ठीक है, क्या उसको लू बोलते हैं, काल विसाखी बोलते हैं, मैंगो शॉवर बोलते हैं, या चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, उसको बोला जाता है आंसर डी, चेरी ब्लॉसम आंसर डी। जब कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा लू, अभी जैसे अभी देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर
तेज एक गर्म हवाएं चलती है, ठीक है, डस्टी हवाएं चलती है, उसको बोलते हैं लू। काल वैसाखी और मैंगो शॉवर्स क्या क्या होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सीजन होता है रिट्रीटिंग मॉनसून का बिगिन इन विच आर द फॉलोइंग मंथ्स। एक बार मॉनसून आता है जैसे जून के मंथ से स्टार्ट हुआ, वापिस जो रिट्रीट होता है, ये कौन से मंथ में जो है स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, नवंबर, जून, सितंबर या जनवरी। जनवरी नहीं होगा, नवंबर आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जून से मॉनसून चलता है और सितंबर इसका आंसर बनेगा, सी सही बनेगा इसका राइट। रिट्रीट करता मौसम जब वापिस आता है तो होता है आपका सितंबर के मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरदोली जो चेहरा है ऑकर सीन कहाँ पे होता है, डेक्कन प्लेट्यू, केरला, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड असम। सो आंसर बनेगा आपका डी, वेस्ट बंगाल एंड असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लू जो है करेक्टरिस्टिक फीचर है इंडो गैंगेटिक प्लान की इन द सीजन ऑफ, क्या समर में होती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, विंटर की वजह से, स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग सीजन में तो हो नहीं सकती, विंटर में तो लू नहीं चलती है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, किससे होती है, समर की, समर में आपको ज्यादातर लू देखने को मिलती है। सो आंसर आपका ए बनेगा, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है काजेज रहते हैं रेनफॉल की नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठीक है। विंटर सीजन में जो बारिश होती है ना सभी स्टेट्स में नहीं होती, ठीक है, तो ये जो बारिश होती है ये किसकी वजह से होती है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, मेडिटेरियन सी से जो हवाएं चलती हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज की वजह से ये बारिशें होती है। तो आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनैक्ट किया गया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये कौन से साल किया गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1976, 1980, 1993 या 1988। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर भी 1980। सो जहाँ पे आंसर बनेगा आपका आंसर भी 1980 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि चिपको मूवमेंट जो है बेसिकली किसके अगेंस्ट जो है स्टार्ट किया गया था, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन या कल्चरल पोल्यूशन। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर सी, ठीक है। सो आंसर सी आपका जहाँ पे बनेगा डिफॉरेस्टेशन। चिपको मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था बेसिकली किसके अगेंस्ट था, डिफॉरेस्टेशन के। आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे इवेंट्स हैं और जहाँ पे ट्रीज को यहाँ पे एक साइड से होल्ड करके रखा हुआ है। चिपको मूवमेंट एक नॉन वायलेंट एजिटेशन था, 1973 में इसको स्टार्ट किया गया, इसका एम यही था कि कंजर्वेशन और इसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बेसिकली ये किसके लिए था, डिफॉरेस्टेशन, जो जंगल वगैरह काटे जा रहे थे उसको रोकने के लिए ये इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, तो इस मूवमेंट का नाम था चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आपने बताना कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था इंडिया के अंदर जिसको इस्टेब्लिश किया गया, चंदौली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फॉरेस्ट गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क या दुधवा नेशनल पार्क। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे बी, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जो इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पहले करेंगे गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क की। तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये गिर आपका गुजरात के अंदर, ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये एशियाटिक लाइन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके साथ महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आपने देखा होगा जी नेशनल पार्क है चंदौली नेशनल पार्क, जो हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किया, ये महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है और इसको 2004 के अंदर बनाया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क जहाँ पे छोड़ रहा हूँ, दुधवा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर बताते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आपने बताना कि कौन सा जो नेशनल पार्क है वो छत्तीसगढ़ के अंदर लोकेटेड है, आंची नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क या गुगामाल नेशनल पार्क। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे सी, इंद्रावती जो नेशनल पार्क है ये आपको छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा। कुछ और नेशनल पार्क देखते हैं यहाँ पे, आंची नेशनल पार्क कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर, उसके बाद बेतला नेशनल पार्क झारखंड के अंदर है, और गुगामाल नेशनल पार्क जो है आपको महाराष्ट्र स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर जैसे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमने 3 से 4 क्वेश्चन को कवर कर दिया, आंची नेशनल पार्क, बेतला और गुगामाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है जी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रखा गया है, जो कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जे एंड के या नागालैंड। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर बी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो कि जिसको शामिल किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसमें से बताना कि सबसे जो इसमें जो नेशनल पार्क बताए गए हैं इसमें कौन सा नेशनल पार्क जो है मैरिन नेशनल पार्क है, ठीक है, भीतरकनिका, सुंदरबन, गहिरमाथा या गल्फ ऑफ मन्नार। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे डी, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार जो है एक मैरिन नेशनल पार्क है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। कुछ और देखते हैं, भीतरकनिका जी आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा, और गहिरमाथा उड़ीसा, ये मैरिन एक सेंचुरी है, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपने बताना कि ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा इंडिया का। तो आपने जैसे हमने डिस्कस किया पहले क्वेश्चन में, तो उसमें से बताया गया था कि पहला नेशनल पार्क, तो पहला नेशनल पार्क आपका ओल्डेस्ट हो जाएगा। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जी हमारा कौन सा नेशनल पार्क है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क डी बनेगा इसका राइट आंसर। आप कुछ और डिस्कशन करेंगे जहां पे काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा असम के अंदर, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख के अंदर, और उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क कहां पे है, यूके उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं काजीरंगा असम के अंदर, हेमिस लद्दाख के अंदर, राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड के अंदर, और आपका जिम कॉर्बेट आ गया यूके यानी कि उत्तराखंड के अंदर भी है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी आपको उत्तराखंड के अंदर ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कान्हा नेशनल पार्क है जे बिलोंग करता है वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिकल एरियाज इन द वर्ल्ड। इसमें से आपने बताना कौन सा बायोजियोग्राफिकल एरिया है, सीडीएस के अंदर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो आंसर बनेगा आपका सी, आंसर सी यानी कि ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट ये बायोजियोग्राफिकल जो एरिया से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल जो वेजिटेशन है ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, टेम्परेचर और मॉइस्चर के ऊपर, स्लोप थिकनेस ऑफ सॉइल, या बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दिस। सो आंसर आपका यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों बनेगा, तो ए एंड बी बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आंसर सी बनेगा, ठीक है, ए एंड बी इसका राइट आंसर। टेम्परेचर और मॉइस्चर प्लस स्लोप्स एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, ये नेचुरल वेजिटेशन इसके ऊपर डिपेंड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है इंडिया का वो कौन सा है, ठीक है। तो क्या गैंगेटिक प्लेन है, ट्रांस हिमालयाज है, वेस्टर्न गॉड्स है, या सेंट्रल इंडिया है। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर सी, वेस्टर्न गॉड, ठीक है। तो मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है इंडिया का, दैट इज वेस्टर्न गॉड। इसमें से आपने बताना है कौन सा जो है एसेंशली जरूरी नहीं है स्पीशीज ऑफ द हिमालयन वेजिटेशन। आईएएस प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशली अ स्पीशीज ऑफ द हिमालयन वेजिटेशन, यूनिपर, महंगोनी, सिल्वर फर, या स्प्रूस। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर सी, बी सॉरी, ठीक है। तो महंगोनी, ठीक है, इसका राइट आंसर है। तो ये एक एसेंशली स्पीशीज नहीं है हिमालयन वेजिटेशन की। महंगोनी जो क्या है, एक स्पीशीज है ट्री, जो कि पाया जाता थ्रू आउट द कैरिबियन, सेंट्रल और साउथ अमेरिका के अंदर, हिमालय के अंदर नहीं। आंसर क्या बनेगा आपका, बी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आपने बताना कि हिमालयन जो वेजिटेशन है स्पीशीज पाई जाती हैं अल्टीट्यूड ऑफ 1800 से लेकर 2600 मीटर तक। ये एनडीए के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें से कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, साल है, चीर है, स्पूस है, या दियोदर है। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर डी, ठीक है। तो उधर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन स्टंटेड फॉरेस्ट जो होते हैं विद बशीज और स्मॉल स्केल ट्रीज होते हैं, हैविंग लॉन्ग रूट्स एंड शॉर्ट थॉर्न्स, ठीक है। तो इनके जो कांटे बहुत शार्प होते हैं, और स्पाइंस कॉमनली ये कहाँ पे पाए जाते हैं, आईएएस प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, ईस्टर्न उड़ीसा के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न तमिलनाडु के अंदर, शिवालिक एंड तेराई रीजन के अंदर, या वेस्टर्न आंध्र प्रदेश के अंदर। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर डी, ठीक है। तो वेस्टर्न आंध्र प्रदेश के अंदर ये इसको देखने को मिलेंगे, ओपन स्टैंडर्ड फॉरेस्ट जिसके साथ बुशेस होती हैं, और स्मॉल ट्रीज होती हैं जिसकी लॉन्ग रूट्स होती हैं और शार्प थॉर्न्स होते हैं, ठीक है, यानी कि कंटेंट्स की जो है बहुत तेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा जो है जो कि एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एवरग्रीन फॉरेस्ट, मालवा प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, या छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर सी, वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के अंदर आपने बताना कि इसमें से कौन सा जो है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो है इज अ टीक एंड डोमिनेंट ट्री स्पीशीज है। आईएएस प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड विद ग्रासलैंड। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ई, ठीक है। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट इसका राइट आंसर है, ठीक है, जो कि एक फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, इज टीक इज डोमिनेंट ट्री स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आपने बताना है कि कौन सी स्टेट जो है फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। तो कौन सी स्टेट के फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया गया है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, या कर्नाटका। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर बी, एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो फॉरेस्ट है उसको क्लासिफाई किया गया सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा रीजन है इंडिया का जो कि जिसमें कॉम्बिनेशन है मैंग्रोव फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट है। आईएएस प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ वेस्ट बंगाल, सदर्न सौराष्ट्र, या आंध्र प्रदेश सॉरी अंडमान निकोबार आइलैंड। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर डी, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है इसमें कॉम्बिनेशन है मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसमें सबसे ज्यादा एरिया जो है फॉरेस्ट कवर के अंदर है, एनडीए के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, तो सभी बच्चे जानते हैं इसमें कौन सा आ गया, मध्य प्रदेश, ठीक है। आंसर सी इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश जो है स्टेट इसमें सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया जो मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसमें से क्या जो दिया गया है जी, क्वेश्चन जो दिए गए हैं जी काफी ट्रिकी होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से हैंडल करोगे यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। ठीक है, लिस्ट ए के अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज हैं और लिस्ट बी के अंदर आपको स्टेट देखने को मिलेगी, इसको हमने कंबाइन करना है। जैसे डाचिकम, डाचिकम आप सिंपली यहाँ पे टिक करोगे कि डाचिकम किससे रिलेटेड है, जेएनके से। तो फर्स्ट का क्या आएगा, फर्स्ट का जहाँ पे जैसे मैं फर्स्ट का आ गया आपका, फर्स्ट का सॉरी ए का आपका क्या आएगा, ए का आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें पप्पी कोंडा के बारे में पता नहीं है, हमें सरिस्का के बारे में पता है। तो सरिस्का कहाँ पे है, राजस्थान, यानी कि सी का थ्री आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे हम करेंगे सी, सी का थ्री आ रहा है। उसके बाद बांदीपुर, बांदीपुर हमें पता है बांदीपुर का नाम कर्नाटका के अंदर, फोर का डी का फोर आ रहा है, डी का क्या आ रहा है, फोर का आ रहा है। तो हम सेकंड का हमें जो हमें पापी कोंडा जी बी का क्या आ रहा है, आंध्र प्रदेश बचा, तो बी को हम क्या करेंगे, बी को हम वन करेंगे। ठीक है, तो ए का सेकंड है, जैसे जे ए है, ए का सेकंड आ गया जहाँ पे, बी का वन है, बी का जी आपका फर्स्ट आ गया, सी का थ्री है, ये आपका सी आ गया, सी का थ्री आ गया, और डी का फोर है, ये डी है और डी का जी फोर आ गया। सो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर बी बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से आप हैंडल करोगे। अगर आपको दो भी ऑप्शन जहाँ पे पता तो तीसरे चौथे को आप आसानी से टिक कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे लोकेटेड है, जे एंड के अंदर है, केरला, सिक्किम या तमिलनाडु। तो चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी केरला के अंदर, आंसर बी बनेगा इसका राइट आंसर। तो चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लोकेटेड है मुन्नार और कठलूर और मारायूर पंचायत लिमिट्स में, जिसको बोलते हैं इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये कहाँ पे, केरला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है, देखिए मुकाम्बिका जो है कर्नाटका बिल्कुल सही है, दालमा झारखंड बिल्कुल सही है, नेयर ये गलत है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नहीं है, जहाँ पे केरला होगा इसका। सो कोटिगोम ये गोवा है, तो आंसर आपका सी बनेगा, ये करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो नेयर कहाँ पे है, केरला के अंदर, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा एक्ट जो है प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल इन इंडिया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996 या वेस्ट बंगाल वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1959। सो आंसर आपका जहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन किसको, वाइल्ड एनिमल्स को, किस कहाँ पे, इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी सॉइल जो है डिपॉजिटेड होती है रिवर से, यानी कि जो रिवर जब आती है उससे जो सॉइल डिपॉजिटेड होती है, कौन सी सॉइल है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, एलोवियल सॉइल है, जो लैटराइट सॉइल है। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे सी, एलोवियल सॉइल, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, खद्दड़ और बांगर जो है कौन सी सॉइल जो है, कौन सी सॉइल से बिलोंग करती है खद्दड़ और बांगर, के एलोवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लैटराइट सॉइल है या रेड सॉइल है। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे ई। ठीक है, तो ए क्या बनेगा, एलोवियल सॉइल। तो टर्म जो है रिगुर, ये काफी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिगुर जो है टर्म किसके लिए यूज किया जाता है, एनडीए के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा गया था। लैटराइट सॉइल है, डेलेटिकलो सॉइल है, रेड सॉइल है या ब्लैक कॉटन सॉइल है। तो रिगुर सॉइल आप सभी जानते हैं, आंसर डी बनेगा, ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, तो ब्लैक कॉटन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसको बोलते हैं रिगुर सॉइल। ठीक है, रिगुर या ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका जहाँ पे, इसमें से बताना कौन सी सॉइल जो है मोस्ट सूटेड है टी प्लांटेशन के लिए, टी प्लांटेशन के लिए, क्या एसिडिक है, एल्कलाइन, एलोवियल या रिगुर। तो कौन सी सॉइल सबसे ज्यादा मोस्ट सूटेड रहती है टी प्लांटेशन के लिए, आंसर आपका ए बनेगा, एसिडिक। ठीक है, तो ए बनेगा एसिडिक इसका राइट आंसर। कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कैरवस सॉइल जो है विच आर यूजफुल फॉर कल्टिवेशन ऑफ सैफ्रन, एक लोकल वैरायटी होती है सैफ्रन की, आर फाउंड इन, कहाँ पे पाई जाती है, कश्मीर हिमालयस के अंदर, गढ़वाल हिमालयस, नेपाल हिमालय या ईस्टर्न हिमालयस। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ए, कश्मीर हिमालयस, कश्मीर हिमालयस का राइट आंसर है। कैरवस सॉइल जो कि यूजफुल रहती है कल्टिवेशन ऑफ सैफ्रन, यानी कि लोकल वैरायटी होती है सैफ्रन की। सो आंसर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी सॉइल जो है करेक्टराइज है वेरी हाई कॉन्टेंट रहता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर का, सीडीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, वर्टिसोल है, हिस्टोसोल है, गिलिसोल है या स्पोडोसोल। अगर कोई स्पेलिंग में एरर है तो उसके लिए सॉरी, तो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर बी, हिस्टोसोल। ठीक है, तो हिस्टोसोल इसका राइट आंसर है। इसमें काफी ज्यादा जो है कंटेंट रहता है, वेरी हाई कंटेंट रहता है ऑर्गेनिक मैटर का, सीडीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। हिमालयन जो रिवर्स है वो पेरिनियल है क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या ये रिवर जो है इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, या ये जो रिवर है ये वाटर रिसीव करती है रेन से, या मोस्ट ऑफ द जो हिमालय रिवर है ये ओरिजिनेट होती है स्नो कैप्ड ग्लेशियर से या माउंटेन से, या ऑल ऑफ दीज। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है। सो आंसर बनेगा आपका आंसर डी। ठीक है, तो हिमालय जो रिवर्स हैं वो पेरिनियल है क्योंकि उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, सेकेंडली उसमें बहुत सारा वाटर जो है रेन से आता है, और थर्डली इसमें क्या है
हिमालयन जो रिवर है ओरिजिनेट होती है स्नो कैप्ड ग्लेशियर से या माउंटेन से, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर रहेगा। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया की इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र और इंडस की लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथ है, मगर इंडिया के अंदर इनकी जो लेंथ है वो कम है। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लेंथ कौन सी रिवर की है? वो है गंगा, ठीक है। तो आंसर बी रहेगा इसका राइट आंसर, गंगा इसका राइट आंसर है। अब गंगा की बात करें तो एक लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, और इसके साथ साथ ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। और गंगा की बात करें तो ओवरऑल इसकी जो लेंथ है 2525 किलोमीटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्टोन में अलकनंदा और भागीरथी जो है कंबाइन मिलके दोनों बनाती हैं रिवर गंगा, ठीक है। तो हरिद्वार है, ऋषिकेश है, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ये चारों जो नाम दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? यूके के अंदर है, यूके यानी कि उत्तराखंड के अंदर। और जहाँ पे पूछा गया है कौन सा जो टोन है या कौन सा प्लेस है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलके रिवर बनाती है गंगा, तो उसका आंसर रहेगा आंसर डी, देवप्रयाग, ठीक है। तो देवप्रयाग से पहले उस गंगा रिवर को गंगा रिवर नहीं बोला जाता, तो उसको भागीरथी बोला जाता है। और देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं तो इनको क्या बोलते हैं? फिर इसको गंगा बोलते हैं। तो जहाँ पे देख सकते हैं देवप्रयाग एक टोन है, नगर पंचायत नियर न्यू टिहरी के अंदर, सिटी टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, ये उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जहाँ पे अलकनंदा रिवर और जहाँ पे मिलती है भागीरथी और दोनों मिलके क्या बनाती हैं? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी रिवर जो है गंगा को ज्वाइन करती है बिहार के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चंबल है, सोन है, बेतवा या कैन? आंसर बनेगा आपका यहाँ पे बी, सोन। सोन रिवर जो है इसमें से ऐसी रिवर है जो गंगा को ज्वाइन करती है बिहार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें से आपने ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बताना, ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ये गुजरात वाला पोर्शन आ गया, ये हमारा, ठीक है। तो इसमें से आपने बताना कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी, यानी कि इस साइड जो बहने वाली रिवर कौन सी है, ठीक है। क्या शरावती है, ब्राह्मणी है, माही है या साबरमती है? देखिए शरावती, माही और साबरमती, ये दो सारी की सारी रिवर जो है बेस्ट फ्लोइंग है। तो आंसर क्या बनेगा? ब्राह्मणी। इसका आंसर डी रहेगा, बी, ठीक है। ब्राह्मणी रिवर जो है एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि ईस्ट की तरफ बहने वाली रिवर। शरावती जो ओरिजिनेट होती है अम्बू तीर्था इन कर्नाटका से, और इसके साथ साथ ये एक वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है इंडिया की, और मेजर पार्ट है इसका रिवर का जहाँ वेस्ट कहाँ पे लाई करता है, वेस्ट घाट में। माही जो रिवर है जो ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश से, ये एक ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और साबरमती जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है अरावली हिल से, ठीक है। और राजस्थान एंड मीट्स इन बिया खम्बत, के बिया खम्बत में मीट करती है अरेबियन सी, ये अरेबियन सी वाला पोर्शन जहाँ पे आ गया, ये आपका बिया बंगाल वाला आ गया। इसके साथ साथ इसकी जो लेंथ है 371 किलोमीटर है। और ब्राह्मणी जो रिवर है ये राइज होती है अमरकंटक हिल छत्तीसगढ़ से, और फ्लो करती है ओडिशा एंड मीट्स द बिया बंगाल, यानी कि ये कहाँ चलती है, कुछ किस साइड जाती है ये रिवर, ये एक रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो आंसर आपका जहाँ पे बनेगा बी। आई होप आपको समझ लग गया होगा जहाँ पे। उसके साथ ये ओरिजिनेट नहीं होती है ईस्टर्न घाट से, ठीक है, इट डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द ईस्टर्न घाट, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक हिल कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा इज फाउंड बाय द रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र गंगा जेलम सिंधु एंड जेलम गंगा एंड सिंधु। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर है, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रिवर विच फ्लोज बिटवीन केदारनाथ एंड रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ के बीच फ्लो करने वाली रिवर का नाम बताना आपने। भागीरथी है, अलकनंदा है, सरयू है या मंदाकिनी है? सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे डी, मंदाकिनी रिवर, ठीक है, आंसर डी बनेगा। तो मंदाकिनी जो रिवर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, जो कि कमिंग डाउन फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ केदारनाथ पीक और ज्वाइन करती है अलकनंदा को कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। और ये रिवर एक्चुअली ओरिजिनेट होती है स्प्रिंग फेड बाय मेल्टिंग स्नो ऑफ शारावरी ग्लेशियर अबाउट 1 किलोमीटर अबव केदारनाथ टेम्पल। केदारनाथ टेम्पल कहाँ पे है? यूके के अंदर, यानी कि उत्तराखंड के अंदर। जो भागीरथी रिवर है जो ओरिजिनेट होती है कहाँ से? गोमुख, गंगोत्री, तपोवन या विष्णुप्रयाग? आंसर आपका यहाँ पे ए बनेगा, गोमुख से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, ठीक है, गोमुख से ओरिजिनेट होती है। अगर ग्लेशियर से पूछा गया तो गंगोत्री ग्लेशियर है, जहाँ पे दोनों आ गया, ओरिजिनेट बेसिकली होती है ये गोमुख, ठीक है। भागीरथी एंड अलकनंदा जो दोनों कहाँ पे मिलती हैं? जी देवप्रयाग में मिलती है, अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर जो यमुना है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये चोंगखंबा, यमुनोत्री, नंदा देवी या नीलकंठ? आंसर रहेगा आपका जहाँ पे बी, यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर से रिवर ओरिजिनेट होती है यमुना।
लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की और ये इमेंसली सिग्निफिकेंट रिवर है इट्स ओन राइट। जमुना राइज होती है जमुनोत्री ग्लेशियर से और फ्लो करती है 1376 किलोमीटर पासिंग द स्टेट्स ऑफ हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिल्ली ठीक है। और फाइनली ये मर्ज हो जाती है गंगा में त्रिवेणी संगम का, इसका त्रिवेणी संगम बनता है कहाँ पे, ये है आपका प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ पे है, यूपी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया जारलंग जांगपो रिवर इज नोन एज, क्या इसको क्या बोलते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया जारलंग जांगपो रिवर इज नोन एज, क्या इसको गंगा बोलते हैं, इंडस बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र या महानदी। आंसर बनेगा आपका यहाँ पे सी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं जारलंग जांगपो को। और ये इसको बोला जाता है सांगपो इन तिब्बत, तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है, सांगपो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। जारलंग सांगपो रिवर जो है एक लॉन्गेस्ट रिवर है तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन चाइना के अंदर। डाउन स्ट्रीम होती है जी हिमाचल प्रदेश में, यानी कि इंडिया के अंदर जी हिमाचल प्रदेश से एंटर करती है और रिवर बिकम्स वाइडर एंड आफ्टर रीचिंग असम में, तब इस रिवर को बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। और रिवर जो है इसको बोला जाता है एवरेस्ट ऑफ रिवर्स बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे मजूली रिवर आइलैंड के बारे में जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी रिवर के ऊपर है, सो आंसर आपका जहाँ पे क्या बनेगा, तो जहाँ पे मजूली रिवर जो आइलैंड है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी रिवर में है, जमुना, पद्मा, गंगा या ब्रह्मपुत्र। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे डी, ब्रह्मपुत्र रिवर में, ठीक है। तो मजूली एक 352 स्क्वायर किलोमीटर का एक आइलैंड है मजूली आइलैंड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, ये कहाँ पे है, बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये आइलैंड जो है ब्रह्मपुत्र रिवर में है असम, और 2016 के अंदर ये बना था, इट बिकेम द फर्स्ट आइलैंड टू बी मेड अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर इंडस जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हिंदुकुश रेंज, हिमालय रेंज, काराकोरम रेंज या कैलाश रेंज। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे डी, कैलाश रेंज से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी रिवर जो है एक ट्रांस हिमालय रिवर है। ट्रांस हिमालय रिवर ऐसे रिवर है जो इंडिया में से फ्लो नहीं करती, बाहर से फ्लो करती है, ठीक है। जेलम है, सतलुज है, गंगा है, रावी है, ठीक है। जेलम, रावी और गंगा ये इंडिया में फ्लो करती है, यानी कि इंडिया से फ्लो करती है, इंडिया से इसका ओरिजिनेशन होती है। और सतलुज जो है ट्रांस हिमालय रिवर, तो आंसर आपका बी बनेगा, ठीक है। तो नियर मानसरोवर लेक तिब्बत के अंदर एक सोर्स है रिवर का, जिसका जिसका सोर्स है कौन से रिवर का, ये सतलुज रिवर का सोर्स है, ठीक है। तो ये एक ट्रांस हिमालय रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी रिवर जो इंडिया की वर्ल्ड के हाईएस्ट ब्रिज, जिस रिवर के ऊपर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज जो है कंस्ट्रक्टेड है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। चिनाब के ऊपर है, सतलुज, झेलम, ब्यास, सभी न्यूज़ में सुनते हैं, चिनाब इसका राइट आंसर रहेगा। आंसर ही चिनाब के ऊपर सबसे बड़ा जो है ब्रिज, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बना हुआ है। और चिनाब रिवर कहाँ पे है, ये जो हाईएस्ट ब्रिज है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर दामोदर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से, छोटा नागपुर, नैनीताल, वेस्टर्न स्लॉप्स ऑफ सोमेश्वर हिल्स। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर बी, ठीक है। तो छोटा नागपुर से ये रिवर ओरिजिनेट होती है, रिवर दामोदर। दामोदर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और इडोन कैनाल जो हैज़ बिन टेकन आउट ऑफ फ्रॉम दामोदर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी जो कनाल है ये रिसीव करती है वाटर फ्रॉम विच रिवर, किस रिवर से वाटर रिसीव करती है, सोन से, कोसी से, गंडक से या मारुक्षी से, ठीक है। सो आंसर आपका सी बनेगा, गंडक, गंडक इसका राइट आंसर है। आप जहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं, त्रिवेणी कनाल जो है कंस्ट्रक्टेड है इरीगेशन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, बिहार में। और ये इसको स्टार्ट किया गया था 1979 में। और गंडक रिवर को और नाम से भी जाना था, दैट इज नारायणी रिवर, ठीक है। दूध गंगा रिवर जो है कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या वेस्ट बंगाल। तो दूध गंगा रिवर लोकेटेड है जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से ड्रेनेज सिस्टम बताना जो फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन कौन सी रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में जो है फॉल करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये शॉर्ट सा इंडिया बनाएंगे हम, ये हमारा गुजरात वाला पोर्शन, ये हमारा आ गया सदर्न पोर्शन, ये हमारा ईस्टर्न, और ये हमारा पूरा मैप बन गया। यानी कि हमने वो रिवर बतानी है, ये हमारा आ गया बे ऑफ बंगाल और ये अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी। आप इसमें से बताना कौन सी रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती है, गंगा बे ऑफ बंगाल में, ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में, गोदावरी बिल्कुल, महानदी, कृष्णा, कबीर। आपको सिर्फ जहाँ पे अगर लूनी के बारे में पता होगा, लूनी आप सभी जानते हैं ये राजस्थान से ओरिजिनेट होती है, नर्मदा, ताप्ती, ये रिवर कहाँ पे जाती है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि ये कौन से साइड आ रही है, अरेबियन सी में। तो इस तरीके से आप इसको टिक कर सकते हैं, इसको क्रॉस कर सकते हैं, और दो जहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। और आंसर आपका बनेगा डी, बोथ ए एंड बी,
ठीक है। तो ये सारी के सारी जो रिवर है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं, और दूसरी जो रिवर है लूनी नर्मदा एंड ताप्ती, ये आपकी बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो आंसर डी बनेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से बताना है कौन सी पेयर जो रिवर की और ट्रिब्यूटरी उसकी करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। गोदावरी बिल्कुल सही है, पेन गंगा इसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी पेन गंगा नहीं है, ठीक है। ये आंसर आपका गलत होगा, कृष्णा की बिल्कुल बीमा ठीक है, लूनी की सुकरी, ये ठीक है, आंसर बी बनेगा इसका, ठीक है। तो करेक्टली मैच बी नहीं है, तो आंसर बी बनेगा इसका, पेन गंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा पेन गंगा जो ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की, और जी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ट्रिब्यूटरी गंगा की यमुना है, गोमती, गागरा, गंडक, कोसी, सोन, टोंट और पुनपुन। गोदावरी रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है जी आपकी धरना, पेन गंगा, बेन गंगा, बारदा, परनीता, प्रावरा, मूला, मंजरा, और उसके साथ और भी रिवर, मन्नेर रिवर है। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी जो है गतप्रवा, मलप्रवा, ठीक है, और तुंगभद्रा, भीमा और मोसी और मुन्नार, ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। और ट्रिब्यूटरीज हैं लूनी रिवर की, जोजरी, लीलरी, गोहिया, बंदी और सुकरी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आंसर बी बनेगा इसका राइट आंसर, क्योंकि करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी रिवर जो है फ्लो करती है बेस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा वेस्टर्न साइड है, ठीक है, ये हमारा ईस्टर्न साइड है। कौन सी रिवर जो है बेस्ट की तरफ फ्लो करती है? गंगा हमारी ईस्टर्न साइड में फ्लो करती है। नर्मदा ईस्टर्न साइड में फ्लो करती है, वेस्टर्न। गोदावरी जो है, गोदावरी आपकी ईस्टर्न साइड में फ्लो करती है, और यमुना भी आपकी ईस्टर्न साइड में फ्लो करती है। सो आंसर आपका नर्मदा बनेगा, आंसर बी इसका राइट आंसर है। नर्मदा जो ओरिजिनेट होती है अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ पे है जी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये फ्लो करती है विंध्यान और सतपुरा रेंज में, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी रिवर जो है फॉल करती है रैपिन सी में? आपका जे इंडिया है, जे इंडिया जहां पे मैं मैप बनाना चाहूंगा, जे इंडिया, जे रैपिन सी वाला पोर्शन है, और जे आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो कौन सी रिवर जो है फॉल करती है रैपिन सी में, यानी किस साइड आती है? गोदावरी है, क्या गोदावरी इस साइड आती है, तापी, महानदी या कृष्णा? तो आप जहां पे तीनों रिवर देखोगे तो ये आपकी जहां पे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, तो ये ईस्टर्न फ्लोइंग यानी कि बे ऑफ बंगाल में जा रही है। तो आंसर इसका तापी बनेगा इसका राइट आंसर, आंसर बी, तापी इसका राइट आंसर है, जो कि एक बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और कहां से ये कौन सी साइड है, ये रैपिन सी में फॉल करती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने 20 से ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस किया। एक और पार्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगा रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को और भी डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।